मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 8th स्टैंडर्ड लेसन नंबर 2 ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ईद के बारे में एक बच्चे की मन स्थिति का वर्णन किया है। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। गांव के सभी लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं। कोई अपने शर्ट के बटन लगवा रहा है, कोई अपने जूते ठीक करवा रहा है, कोई अपने जानवरों को चारा खिला रहा है। सब अपना काम जल्दी समाप्त करके ईद मनाने के लिए, मेले में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जल्दी उत्साहित हो रहे हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार में ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में हैं, 5 अमीना के बटुए में हैं। यही तो विशात है और ईद का त्यौहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आती हैं, अदालत है, कॉलेज, कला घर, आगे चले जा रहे हैं। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी।
सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया थी, पक्का फर्श था और उस पे दड़ी बिछी हुई थी। रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। यह कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी बजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने भी दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथों घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए है। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का एक तिहाई हिस्सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती और धोबी। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद फिर चल आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील पसंद आया, काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत की जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। तो इस तरह हामिद क्या करता है, उन पैसों से लोहे की दुकान पर जाता है और वहाँ से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है और वह अपनी दादी को वो चिमटा दे देता है और बोलता है कि दादी आपको इस चिमटे की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब आप रोटी सेकते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं और ये चिमटा आपके बहुत सारे कामों में भी आ सकता है। तो इस तरह से दादी को आँखों में पानी भराया और उसने हामिद को गोद में लेकर बैठ गए और हामिद सोचते रहा कि दादी क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।